मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्वेश्चन है 3a² x² + 8ab(x) + 4b² = 0 का गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब होता है कि x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये एक द्विघात समीकरण देखिए, क्योंकि x का पावर कितना है, 2 है। द्विघात समीकरण का हमको क्या निकालना है, मूल निकालना है, यानी x का मान निकालना है। तो देखिए, जितना पावर होता है उतना x का मान निकलता है, तो x का पावर कितना है, 2 है, तो कितना निकलेगा मूल, 2 निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इसको निकालने के लिए गुणनखंड विधि द्वारा क्या करते हैं, 3a² x² लिख देते हैं + 8ab(x) + 4b² = 0। अब देखिए यहाँ पर, देखिए इसको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मतलब चार तीन भाग में है, देखिए एक भाग, दो भाग, तीन भाग, इसको बांटेंगे चार भाग में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 3 यहाँ पर है फर्स्ट टर्म, और लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए 3a² x² में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4b² से, तो देखिए कितना आएगा, आपको आएगा 12a² b² और x², यही ना आएगा। अब देखिए यहाँ पर लाना है +8ab (+8ab(x), यानी जोड़ने के बाद 12 का ऐसा फैक्टर करिए। देखिए सबसे पहले 12 है यहाँ पर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 × 2, और 6 में 2 जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम इस यहाँ पर लिखेंगे और गुणा करने के बाद 12 आएगा, गुणा करने के बाद 12 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 3a² x² + 6ab(x), ठीक है। फिर देखिए +2ab(x), क्योंकि देखिए गुणा करने के बाद 12a² b² x² लाना है, और जोड़ने के बाद 8ab(x) लाना है, ठीक है। +4b² = 0। अब दो दो को ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो यहां पर देखिए दो दो को जब ब्रैकेट में लीजिएगा तो दो दो को ब्रैकेट में ले लीजिए 3a² x² + 6ab(x), ब्रैकेट में लिए +2ab(x) + 4b² = 0। अब यहां पर देखिए जो दोनों में रहता है वही कॉमन होता है, तो यहां पर देखिए क्या है दोनों में, यहां पर है a और यहां पर भी a, यहां पर 3 और 6 में 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। तो यहां से हम निकालेंगे 3a, और यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, तो निकाल देते हैं बाहर। तब देखिए यहां पर बचेगा a, उसके बाद 2x है, 2a है, तो यहां पर 1a बचेगा, उसके बाद यहां पर x बचेगा +2b बचेगा, ठीक है। फिर यहां पर देखिए अब इसमें से कॉमन लेते हैं, इसमें से दोनों में जो रहता है वही कॉमन होता है, तो यहां पर है 2b और यहां पर है b² करते हैं, इसमें भी b है, तो यहां से निकालते हैं 2b निकाल लेते हैं, तो ax + 2b = 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी एक को लिख देंगे। यहां पर लिखेंगे ax + 2b, और जो बाहर है उसको एक ब्रैकेट में, तो 3ax + 2b = 0। अब इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। अब यहां पर देखिए बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर। तो यहां देखिए ax + 2b = 0, यानी 0 के बराबर इसलिए करते हैं कि x को फ्री करना है, x का मान निकल जाए। तो देखिए ax = यहां पर देखिए 2b प्लस में है, तो बराबर का जब इधर भेजेंगे तो माइनस आएगा, तो -2b होगा, और a यहां पर देखिए गुणा में है, तो जब बराबर के इधर भेजते हैं तो भाग करता है, तो x होगा -2b/a। उसके बाद देखिए एक बार 3ax + 2b को बराबर 0 के बराबर करेंगे, तो कर दीजिए 2b = 0, तो यहां पर होगा 3ax - 2b, और x बराबर, अब देखिए 3a को दोनों को उधर ले जाएंगे, इसलिए कि x को फ्री करेंगे, क्योंकि x का मान निकालना है, तो यहां पर -2b/3a, यही x का दो मान निकला, x = -2b/a और x = -2b/3a।
3A यही आपका हुआ आंसर। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।